एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में गरम मसाला फिल्म में अपने काम के जरिए पहचान बनाई। कमर्शियल फिल्में करने वाली बिहार की रहने वाली एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने मुंबई में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज वो भले ही लोगों के प्रति कैंसर को लेकर लोगों को जागरूक करती नजर आई हो, लेकिन एक समय ऐसा था तकरीबन 5 साल पहले जब उन्होंने अपने पिता को से दर्द से गुजरते देखा था, जिस दर्द से आज ना जाने कितने लोग गुजर रहे हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो कि लाइलाज बीमारी भी हो जाती है। कई बार जब इस बारे में जानकारी नहीं मिलती तो फिर इलाज कराना मुश्किल हो जाता है, असंभव भी हो जाता है। इसी बीमारी से बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने अपने पिता को भी गुजरते देखा था। तो आइए जानते हैं नीतू चंद्रा इसे लेकर 5 साल बाद कौन सा कदम उठाती नजर आई है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सच में इससे दुखद बात क्या हो सकती है कि जिस कैंसर जैसी घातक बीमारी के लिए एक्ट्रेस नीतू चंद्रा हर किसी को जागरूक कर रही है। कैंसर स्क्रीनिंग कैंप के लिए 500 लगभग ऑटो ड्राइवर्स के लिए वो लॉन्च कर रही हैं स्क्रीनिंग। उसी घातक बीमारी से उन्होंने अपने पिता को खोया था। आइए हम जानते हैं नीतू चंद्रा से, जिन्होंने लगभग 5 साल पहले अपने पिता को इसी बीमारी से जूझते देखा था। आइए जानते हैं उनके बारे में, जो कि अपने दर्द भरी यादों को शेयर करते हुए लोगों को इसके प्रति जागरूक करते नजर आए, साथ ही में इस नेक पहल से लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनती नजर आई है। तो सुनिए नीतू ने क्या क्या कहा। गरम मसाला देखी है? अक्षय कुमार जॉन इब्राहिम को तो देखा होगा। हाँ, वो वही फिल्म पहली बार लॉन्च हुई थी, वो गरम मसाला। उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल, नेशनल अवार्ड मधु भंडारकर की फिल्म, ओए लकी लकी ओए दिवाकर बैनर्जी परेश रावल की फिल्म, अमिताभ बच्चन के साथ रण, 13 बीवियों के साथ माधवन, ये सब में मैं हीरोइन रही हूँ। 3-4 साल से थिएटर करती हूँ और कुछ कुछ सेवा करने की कोशिश करती हूँ, यही मैं कर रही हूँ। हाँ, मैंने अच्छा बताओ, सब बताऊंगी अपने बारे में, ताली खड़ा करवा के ताली बजाओ। सो मैं बिहार की और यूपी की पहली, मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार की पहली एक्ट्रेस हूँ, हमको पता था ताली बजने वाला। सो बिहार की पहली एक्ट्रेस हूँ जो बॉलीवुड की कमर्शियल फिल्में करती हूँ, और मैं 9-10 साल से इस फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ी हूँ, और उससे उतने ही साल से मैं CPA के साथ भी जुड़ी हूँ। 10 साल हो गए CPA के साथ काम करते हुए, और हर बार जब मैंने काम किया तो मुझे उतनी खुशी मिलती है, उतना ही सुकून मिलता है। काम पैसा कमाना एक अलग बात होता है, और पीस जिससे आप घर जाके रात को शांति से सो सकते, वो एक अलग बात होता है। और हर बार मैं जब दीप के साथ खड़ी होती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो आज बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी आपका, कि आपके कारण हम ये कर पाए। डॉक्टर साहब, रोटरी क्लब, दिलेर जी सर, आप बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फिर ये सुकून देने के लिए इस समय आप मेरे साथ हुए। सो थैंक यू सो मच। मैं शशांक जी से बात कर रही थी, और वो कह रहे थे कि यूपी बिहार से करीबन 95% लोग, यूपी बिहार झारखंड से 95% लोग इस पूरे ऑटो रिक्शा टैक्सी में हैं। और ये अमेजिंग बात इसलिए भी है क्योंकि मैं यूपी बिहार, मम्मी मेरी यूपी की हैं, लखनऊ कानपुर की, मैं पापा बिहार के थे, मैं बड़ी होके पैदा होके बड़ी वहीं पे हुई हूँ। रो भोजपुरी में बताया कि बात तो रो भोजपुरी में बता सकेंगे। आई एम जस्ट सेइंग इज कि रूट इतना स्ट्रांग होना चाहिए। अब आप लोग यहाँ 30-40 साल से हैं, लेकिन आपकी फैमिली, आपके दादा दादी, पापा मम्मी, कोई तो होगा घर पे, और अगर आपको यहाँ कुछ हो जाता है तो आप ना वो आ पाएंगे ना आप जा पाएंगे। तो अपने लिए नहीं, कम से कम अपनी फैमिली के लिए इस चीज़ के में जागरूक लाना आप में बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने यही चीज़ पुलिस वालों के लिए किया था, यही चीज़ बस ड्राइवर्सों के लिए किया था, ट्रांसजेंडरों के लिए किया था, कितने लोगों के लिए किया था, और बहुत ज़रूरी उनको बताया था कि आप किसी का मत सोचिए, मेरा मत सुनिए, शशांक जी का मत सुनिए, किसी का मत सुनिए, अपने दिल की बात सुनिए। अभी पीछे एक फैमिली बैठी है, एक बहुत ही सुंदर औरत बैठी है पीछे, एकदम यहाँ से सिंदूर लगा के, उनके साथ 2-3 बच्चे बैठे, इतना सुंदर फैमिली है।
आप उन फैमिली अपनी फैमिली जब घर जाते हैं ना, आप उनको सोचिए अगर अचानक से आप एक दिन गायब हो गए तो कैसे रहेंगे वो। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मेरे फादर की डेथ कैंसर से हुई थी। और इसलिए दूसरों की का इंतज़ार मत करिए कि किसी को हो जाएगा तो फिर एक्सपीरियंस से आप सीखेंगे अरे इसको कैंसर हो गया है, अब वो भी तंबाकू खाता था या पान पारा खाता था तो अब हम लोग भी नहीं खाएंगे, वो समय नहीं आने देना है। मैंने अपने बताते कि हम पापा को हमेशा बोलते रहे कि पापा ये सिगरेट छोड़ दीजिए, ये पान पराग छोड़ दीजिए, हाँ हाँ छोड़ देंगे, अरे कसम खाता है छोड़ देंगे, कल से छोड़ देंगे, ये कल कभी नहीं आता है। अब आप इस जन्म में हम किसी को पापा तो नहीं बोल सकते ना, कुछ भी कर लीजिए। सो हम अपने एक्सपीरियंस देखो, हम जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं, कोई मोटिव नहीं है कि कुछ बनना है, बस इतना है कि अगर मेरे बोलने से आप लोगों को इतना भी फर्क पड़ता है और आपको अपनी फैमिली से फर्क पड़ता है कि आप चाहते हैं अपनी फैमिली आपके साथ खड़े रहे तो ये आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। हम सबको देखे हैं खैनी खाते हुए, तंबाकू खाते हुए, सिगरेट भी छोड़ दीजिए, बीड़ी पीते हुए और भी ज़्यादा खराब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन जब हम अपने पापा को बोलते रहते थे कि पापा छोड़ दीजिए, नहीं छोड़, हाँ 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 एकदम कल से छोड़ दे, मंदिर ले जा के कसम खिलवाए सब, क्योंकि हमको पता है कि बहुत मुश्किल होता है इसको छोड़ना, आसान नहीं है। लेकिन आप एक बहुत ही बड़े एक्टर हैं, उन्होंने एक सिगरेट को अपने पॉकेट में रख लिया और रहते थे सब लोग बोलते थे यार तू सिगरेट पीता, तू सिगरेट पीता, उन्होंने क्या बोला, जब भी उनको सिगरेट पीने का मन करता था या बीड़ी उन्हें निकालते थे बोलते थे तू ज़्यादा स्ट्रांग है कि मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, देखता हूँ, तू ज़्यादा ताकतवर कि मैं ज़्यादा ताकतवर, तीन चार बार बोलेंगे और फिर अपने बोलेंगे मैं ज़्यादा ताकतवर इसलिए मैं नहीं पीऊँगा। तो बात ऐसी है कि ये सारे कैंप्स तो हम लगा रहे हैं और हमको बहुत खुशी है कि हमको मौका मिला है, शाम जी ने मौका दिया है और CPA जो मेरी फैमिली है और ये कोई हम लोग जितना कर सकते हैं करेंगे। लेकिन आप अपने मन में अपने शीशे में, घर में जाके शीशा होगा, शीशे में देखिए, बोलिए कि हम कितना दिन और जीना चाहते हैं। ज़िंदगी का ट्रूथ ही है कि सबको मरना है एक दिन, लेकिन जिस रास्ते में आपकी ज़िंदगी का मौत लिखा ही है तो आप उस रास्ते में क्यों जा रहा है। ऐसे भी कभी भी किसी को भी कैंसर हो जाता है, पक्का नहीं होता ना, कभी भी किसी को कुछ भी हो जाता है, लेकिन जो रास्ता पता ही है कि इस रास्ते से आपको कैंसर हो सकता है क्यों जाना है। देखिए मैं तो लड़की हूँ, बिहार से आके ये सब करी, मैंने बहुत मुश्किल से अपने पापा को पटना से लेकर आई, यहाँ इलाज कराया, सब कुछ कराया कि बच जाए बच जाए। आपके पीछे आपकी पूरी फैमिली लग जाती है, उनकी ज़िंदगी हिल जाती है। मेरे पापा को जब कैंसर, जिस दिन मेरे पापा का डेथ हुआ था उस दिन मैं अपनी लास्ट फिल्म का दो दिन का शूट कर रही थी, नो प्रॉब्लम मेरी लास्ट फिल्म थी जो बॉलीवुड में रिलीज हुई थी। और अनीस बजमी उसके डायरेक्टर थे, अनिल कपूर के प्रोड्यूसर थे, अक्षय खन्ना, परेश रावल, कंगना, सुष्मिता और मैं, हम तीन हीरोइन थे और ये सब हीरो थे, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, परेश रावल और अनीस बजमी उसके डायरेक्टर थे। और मैंने उस दिन मैं शूटिंग करती थी और मैं हॉस्पिटल लौटती थी, मैं यही कर रही थी महीनों से, क्योंकि मेरे पापा हैं तो मैं तो नहीं छोड़ सकती ना, उसी तरह आपकी फैमिली आपको नहीं छोड़ेगी ना अगर आपको कैंसर हो गया तो। इसलिए आप पहले से इतना ध्यान दीजिए कि मेरी फैमिली को इस तरह से नहीं गुजरना पड़े। वो लास्ट फिल्म थी, उसके बाद मेरा दिल इतना टूट गया कि मैं 2-3 साल तक डिप्रेशन में चली गई और सिर्फ मैं इतना करती थी कि मैं अपनी मम्मी का सुबह चाय बनाते पिलाती थी और रात का पैर दबा के सुलाती थी, इतना ही कर रही थी 2-3 साल तक डिप्रेशन में, क्योंकि मुझे लगता था सिर्फ मेरी मम्मी बची है, क्योंकि मौत को इतने पास से और रोज देख लिया था कि अब मेरे को कुछ और करने का दिल ही नहीं था, क्योंकि मैं अपने पापा को बोलती रही कि छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, वो तो चले गए, उनको तो मतलब ध्यान नहीं दिया ना अपना, जब स्टेज खराब हो गया तब उन्होंने ध्यान दिया कि अब मेरे को इलाज कराना है, शुरुआत में इलाज ही नहीं करना, नहीं नहीं हम सबको कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं होगा, हम लोग सब यही सोचते हैं कि हमको कुछ नहीं होगा, सबको हो सकता है। सामने कैंसर पेशेंट्स दिख रहे हैं लेकिन कोई इंस्पायर्ड नहीं होता कि अरे उसको हो गया तो शायद हमको भी इलाज चेक कराने में क्या जाता है, 6 महीना में 1 साल में चेक करा लूँ। लेकिन मेरे पापा भी यही सोचते थे कि सबको कुछ भी हो जाएगा पर हमको कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं हुआ बस उन्हीं को हुआ। और आज हम इस सिचुएशन में कि ये स्टोरी हम आपको सुना रहे हैं कि भाई देख लीजिए आज तो पापा नहीं है, ऐसा ना हो कि आपके बच्चों के भी पापा ना रहे या माँ ना रहे,
और ये बहुत ज़रूरी है। मैं एकदम रॉ सिंपल ज़मीन पर आके खड़े होकर आपसे एकदम एक फैमिली की स्टोरी बता रही हूँ जो मेरी फैमिली है। इससे ज़्यादा कोई मैं बता ही नहीं सकती। दूसरों की स्टोरी क्या बताऊँगी मैं तो अपनी ही स्टोरी बता सकती हूँ। आपके मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो आपके फैमिली के साथ। हम इसीलिए मैं भी इतने साल से पापा के जाने के पहले से ही मैं सीटे से जुड़ी थी और मैं हमेशा पूरी ज़िंदगी जुड़ी रहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि कर्म करते रहो। अगर मैं कर सकती हूँ मेरे कहने पर अगर पांच जन भी इन्होंने छोड़ दिया और अपनी अपनी मुझे छोड़ दीजिए अपनी फैमिली को बचा लिया तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। तो इस जगह सो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अब सारे लोगों ने तो बता ही दिया है कैंप है आप लोग प्लीज़ आए अपने लोगों और लोग को बुलाएं करें अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री में और मम्मी भी महाराष्ट्र में भी अलग अलग जगह हम केस करते रहेंगे और जहाँ भी मुझे बुलाया जाएगा और मैं आ सकूँगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। मैंने कभी भी अनीता को मना नहीं किया है किसी भी कैंप के लिए आने के लिए। हाँ अनीता कभी भी नहीं कर अगर मैं हूँ वहाँ पर तो मैं ज़रूर आती हूँ। तो यही ज़िंदगी बहुत ही छोटा है निकल जाता है। आई एम श्योर जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब 30-35 साल से ऊपर ही हैं मोस्ट ऑफ द पीपल। तो हम लोग बच्चे नहीं हैं हम लोग को सबको पता है कि क्या करना चाहिए। अपने लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए कर लीजिए मेरे जैसी बेटी के लिए कर लीजिए जिसके पास कोई पापा नहीं है। अब ये मैं कहना चाहती हूँ कि उन अब तो चलिए अब जो है वो यही तो यही स्टोरी है। पांच उन लोगों को मैं कैश प्राइज दूंगी ये सरप्राइज था जो कहना चाह रहे थे। पांच वो लोग जो टोबैको फ्री हो जाएंगे और उनको CPA की टीम मॉनिटर करेगी और जो वर्ल्ड टोबैको डे होगा मई में है वर्ल्ड टोबैको डे मई में है फर्स्ट मई को 31 मई को वर्ल्ड टोबैको डे है उस दिन उन पांच लोगों को कैश प्राइज दिया जाएगा और अच्छा खासा कैश प्राइज होगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से सिर्फ लालच ही दे सकती हूँ ये एक लालच है। तो आप और आपकी लालच ये है कि आप अपनी फैमिली को बचाइए। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। संडे को आप लोग आए मीडिया प्रेस का सारे वॉलंटियर्स डॉक्टर्स जितने लोग आप सब आए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग स्टेज पे आए आप सबका बहुत शुक्रिया। ये संडे है मुझे पता है सब अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और मुझे बुला के आप लोग सब में शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने जाना आपने नीतु चंद्रा ने क्या किया कहा किस तरह लोगों को जागरूक किया और किस तरह वो अपने नेक कदम से नेक पहल से लोगों के बीच तारीफों में बनी है। उम्मीद करते हैं हम आप भी उनके इस नेक पहल को लेकर उनके लिए दुआएं करेंगे और इसी तरह से आप लोगों के बीच कैंसर को लेकर जागरूकता ज़रूर फैलाएंगे। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का तो शो का करते हैं दी एंड। तब तक के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।